हेलो बच्चों, कैसे हो? होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट। मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विट्टलम एकेडमी, विच इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय सेल्फ भावेश पटेल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व चैप्टर नंबर 5, ज्योमेट्री, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ऑफ SOF इंटरनेशनल्स मैथमेटिक्स ओलम्पियाड। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्विकली, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, शार्पनेस एंड स्मार्टनेस, परफॉर्म बेटर इन ओलंपियाड्स एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो लेट्स सॉल्व वन बाई वन। फर्स्ट सेक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 11। स्टडी द फिगर केयरफुली। यहाँ पे एक फिगर दी है, सम लाइन सेगमेंट्स आर गिवन। विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए बी। पैरेलल टू लाइन ए बी मतलब, फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये ए बी है। लेट मी ड्रॉ हियर, दिस इज ए बी। तो पैरेलल मतलब दे विल नेवर इंटरसेक्ट। जैसे यहाँ पे ये दो लाइन को देखो, है ना, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, रेड एंड पर्पल कलर, इट्स अ पैरेलल। तो ए बी लाइन को हमें वो लाइन फाइंड आउट करना विच इज पैरेलल टू लाइन ए बी एंड परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। परपेंडिकुलर मतलब वो, सपोज ये सी डी है, तो उसके साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाए। तो ए बी के साथ पैरेलल और सी डी के साथ परपेंडिकुलर। तो विल सी द ऑप्शंस। फर्स्ट लाइन एस टी, पहले तो ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेर इज द ए बी लाइन? सो दिस इज ए, दिस इज बी। सो ये एक लाइन है जो ए बी है। देन सी डी फाइंड आउट करते हैं। सी इज हियर एंड डी इज हियर। तो ये सी डी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ए बी एंड सी डी। हमें वो लाइन फाइंड आउट करना है जो ए बी के साथ पैरेलल हो और सी डी के साथ परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट एस टी, एस टी कहाँ पे है? ये एस एंड दिस टी, यस, दिस इज द लाइन। तो एस टी इज पैरेलल टू ए बी। सपोज ये सी डी है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, है ना, और एस टी। तो एस टी इज पैरेलल टू ए बी एंड परपेंडिकुलर टू सी डी। सो आवर आंसर इज दिस, आंसर इज ए। लेट्स चेक फॉर अदर ऑप्शंस। एग्जाम में वो करने की जरूरत नहीं है। से यू एंड वी, यू वी, तो ये ऐसा है। तो ये तो परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? जहां पे एंगल 90 डिग्री हो। जैसे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये तो 90 से छोटा है, ये 90 से बड़ा है ना। देयरफॉर यू वी इज नॉट दी परपेंडिकुलर टू सी डी, प्लस पैरेलल भी नहीं है। ये देखो, ये आगे अगर मैं लेके गया इसको, इसको भी लेके गया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे। लाइन डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स इज दिस, ये तो ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट। देयरफॉर डब्ल्यू एक्स इज नॉट द लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी, इट्स ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट, करेक्ट। वाई जेड, वाई जेड इज हियर वाई एंड जेड। तो वाई जेड इज दिस लाइन। तो देखो, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। देयरफॉर वाई जेड इज नॉट पैरेलल टू ए बी। फॉरगेट अबाउट सी डी, परपेंडिकुलर है या नहीं है वो भी देखेंगे। तो देखो, ये एंगल इज लेस देन 90, ये एंगल इज ग्रेटर देन 90, है ना, इट्स नॉट 90, सो इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू सी डी। सो आवर आंसर इज एस टी। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ब्लैंक इट्स रेडियस, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, समटाइम्स लेस समटाइम्स इक्वल्स। देखिए, डायमीटर के, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये जो है वो रेडियस है, सेंटर पॉइंट से लेके आपका सर्कल का बाउंड्री तक, दैट इज रेडियस। और ये जो है दैट इज डायमीटर। डायमीटर इज सेम एट एनी पॉइंट, दिस इज ऑल्सो डायमीटर सेम, दिस इज ऑल्सो डायमीटर सेम, दिस इज ऑल्सो डायमीटर सेम। एंड नॉट एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, फॉर योर रेफरेंस, डायमीटर इक्वल्स टू टू टाइम्स रेडियस होता है, टू टाइम्स।
तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा कंपेयर टू रेडियस, कितना टाइम्स, टू टाइम्स। सो आंसर इज बी, ग्रेटर देन, इट इज ऑलवेज डायमीटर इक्वल्स टू टू टाइम्स रेडियस। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी एंड रेक्टेंगल क्यू आर इक्वल, दोनों का पेरीमीटर सेम है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्यू, तो रेक्टेंगल क्यू में ये लेंथ दे दिया है, हमें ये फाइंड आउट करना है, और स्क्वायर पी में हमें साइड दे दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज फोर टाइम साइड, साइड इज 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट इज 24 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, दोनों का पैरामीटर सेम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं रेक्टेंगल के लिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों टू टाइम्स, क्योंकि आप देखो ये और ये दोनों सेम है, अपोजिट साइड्स, ये दोनों सेम है, और पैरामीटर मतलब साइड का अराउंड का लेंथ, सो टू टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 8 ये लेंथ एंड 2 टाइम्स ये वाला, तो मैंने 2 टाइम्स बाहर रख दिया, दैट इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। सो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ सॉरी, इक्वल्स टू 24/2 यानी 12। तो ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ हमें दिया है, करेक्ट। सो 8 प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। देयरफॉर आवर आंसर इज सी। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। वीर प्लॉटेड 3 पॉइंट्स ऑन अ ग्रिड लाइन, वीर ने ये ग्रिड लाइन में 3 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। द 3 पॉइंट्स टूगेदर मेक प्लैंक, तो ये 3 पॉइंट को अगर मैं जोड़ता हूं ऐसे, तो क्या बना है, स्ट्रेट लाइन, यस। स्क्वायर बन गया, नो। स्क्वायर के 4 साइड्स होती है। ट्रायंगल बन गया, 3 साइड्स होनी चाहिए, नो, नन ऑफ दिस। तो स्ट्रेट लाइन तो बन गया, देयरफॉर नन ऑफ दिस नहीं आएगा। सो आंसर इज ए, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द गिवन सॉलिड, यहाँ पे जो सॉलिड दिया उसको बनाने के लिए कितने क्यूब्स चाहिए। तो सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में देखो 3 लेयर्स है, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो लेयर 1 में ये फर्स्ट और पीछे की साइड में सेकेंड क्यूब चाहिए, है ना। लेयर 1 में ये दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन, दिस इज एट। तो एक लेयर बनाने के लिए वी नीड 8 क्यूब्स। तो ऐसे कितने लेयर है, 3, तो कितने चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 या 8 प्लस 8 प्लस 8, सो दैट इज 24 क्यूब्स चाहिए। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो ये पूरा जो भी है वो स्क्वायर है, सबका साइड इज 1 सेंटीमीटर, और हमें शेडेड पार्ट यानी ये वाला का पेरीमीटर। तो हम लोग सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विल काउंट दिस, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, और सारे जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 18 इंटू 1 सेंटीमीटर।
सो इट इज 18 सेंटीमीटर। अगर लेंथ अलग अलग होते, सपोज 3 सेंटीमीटर होता, तो हम क्या करते, 18 थ्री जा 54 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे सारा का लेंथ 1 सेंटीमीटर है, दैटफॉर 18 वन जा, सो 18 सेंटीमीटर, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, Which of the following figures have a line of symmetry? कौन सी figures को line of symmetry है? Option A में देखेंगे, suppose मैंने यहाँ से किया तो नहीं बनेगा, फिर मैंने कुछ ऐसा किया तो भी नहीं बनेगा, मैंने ऐसा draw किया तो भी नहीं होगा, that means A has no line of symmetry, figure A has no line of symmetry, let's see figure B। तो फिगर बी के लिए मैं ऐसा एक ड्रॉ करता हूं, तो यस ये आधा आधा हो गया, ये भी हो गया, बट ये अगर यहां पे होता कहीं पे, है ना, ये दोनों सेम नहीं है, सो देयरफॉर क्योंकि ये और ये तो सेम है, बट ये और ये दोनों सेम नहीं है, है ना, देयरफॉर बी इज हैज नो Not the line of symmetry। चलिए मैं अभी C के लिए यहां से ऐसा करता हूं, है ना, तो line of symmetry इसका ऐसे नहीं होगा, suppose मैं ऐसे करता हूं vertically तो भी नहीं होगा, इसको ऐसे करता हूं तो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये यहां पे हो जाएगा और ये वाला square यहां पे हो जाएगा, correct, so C has also no line of symmetry। चलिए मैं इसको करता हूं, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन वन गैप वन स्क्वायर वन स्क्वायर, ये गैप है, सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लुक एट द गिवन डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कौन सी पैर ऐसी है जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब दो जब मीट करेंगे वहां पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री राइट एंगल। चलिए पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, सी डी एंड जी एच, तो ये सी डी मतलब ये लाइन है, एंड जी एच तो जी एच ये लाइन है, तो ये यहाँ पे मीट कर रही है, क्या ये एंगल परपेंडिकुलर है, नहीं है, 90 डिग्री है, नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पेयर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट अस सी जे के एंड एल एम, तो पहला वाला जे, जे इज दिस एंड के इज दिस, सो दिस इज द लाइन जे के, then LM, L is here, M is here, so this is the line LM, ये यहाँ पे meet हुआ, क्या ये angle 90 degree है, no it is less than 90 degree, so this pair is also not perpendicular, let's check with option C, AB and LM, तो A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, so this is the line ए बी, ये वाला लाइन है ना, एंड एल एम, एल एम ये वाली है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90, करेक्ट, जितना भी एंगल आप देखो तो 90 डिग्री, देयरफॉर दिस इज परपेंडिकुलर, सो आंसर इज सी, नन ऑफ दिस नहीं आ सकता। नेक्स्ट, Find the perimeter of the given figure. Perimeter मतलब length of the figures around. Side जितने भी है उसका around का length. तो चलिए यहां से मैं start करता हूं. This is 14. यहां पहुंच गया. Then another 14. So 28. फिर 5. 28 plus 5. 32. 28 plus 5. 28 plus 5 is how much?
33 प्लस 5 38, यहाँ पहुंच गया। 38 प्लस 4 इज 42, यहाँ पहुंच गया। एंड 42 प्लस 10 52, सो आंसर इज ए। जस्ट ऐड, क्विकली ऐड करना है तो देखो ऐसे हमेशा करो, दिस 14 प्लस 14 20 28, करेक्ट। 28 में 5 प्लस 5 10, सो दिस इज 38, 38 में दिस 10, सो दिस इज 48, 48 प्लस 4 52, दैट इज अ स्ट्रेट वे। चेक करो कहाँ पे फटाफट 10 हो रहा है ना, क्या दो से दो वैल्यू को मैं ऐड करूँ तो 10 हो जाता है, उसको पहले कर लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 6 फेसेस, कौन से फिगर्स एग्जैक्टली 6 फेस को कंसिस्ट करते हैं। तो पहला है ये कोन, कोन में दिस इज द सिलेंडर, मतलब बॉटम फेस है ना, सो दिस इज नॉट 6 फेस, सो ए इज नॉट देयर। देन क्यूब, तो यस क्यूब इज द फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फिर अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये बॉटम वाला फोर्थ फेस, फिर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये साइड वाला फिफ्थ फेस, और ये जो बैक साइड से देखते हैं दैट इज सिक्स्थ फेस, करेक्ट। देयरफॉर देयर आर 6 फेसेस टू द क्यूब्स। सो बी, ये तो बॉल है, स्फीयर है, नो फेस ओनली, नो फेस व्हाट, ओनली सिंगल फेस फ्रॉम फ्रंट साइड और मे बी टॉप साइड, यू नो। Then this is a triangular prism. So this is first face, bottom, this is side, second one, this is third side, and the back side is this, fourth. So four face, so we require 6. So D is not the answer. So our answer is B. So that's all about the solutions of question number 11 to 20, chapter number 5, geometry of SOF International's Mathematics Olympiad. Once again, myself Bhavesh Patel from Vithalam Academy. For any query, doubt, suggestions, you can reach us via mail. Our mail ID is vithalamacademy@gmail.com. That is vithalamacademy@gmail.com. So thank you and wish you all the best.